क्या मामला है? मामला क्या, हमारे भाई साहब बाजार गए थे, वहाँ से अंधेरा हो गया बाजार करने से, तो रास्ते में उनके लिए घेर के मोबाइल और साइकिल उनके साथ में है, साथ में थी, और उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में रेलवे पे मतलब लाइन पे उन्हें बांध दिया, उसकी साइड खोल के चाबी मान आया, उसने जो है देखा कि आदमी तो नहीं मर गया ट्रेन से, उसने देखा अरे ये तो किसी ने बांध कर डाल दिया, उसने नीचे उसी हंसले से रस्सी मतलब साइड काट के और नीचे डाल दिया, बोले ट्रेन से नहीं हुई ये घटना, ये किसी ने मार कर डाल दिया। तो उसकी साइकिल और मोबाइल का पता नहीं चला भाई साहब, चप्पलें हैं रास्ते में जहाँ से उन्हें पकड़ा है, ये बात ही। क्या लगता है कौन मार सकता है, किसी कोई रंजिश थी क्या था? अब भाई साहब रंजिश तो वैसे कुछ नहीं थी, किसी पे शक है? नहीं, शक किसी का ना है हमारा। क्या करता था भाई? यही मेहनत मजदूरी करता है। क्या नाम है उसका? चंद्रपाल। ये थाना देवरनिया सर्कल भैड़ी के अंतर्गत एक सुबह में ट्रेन ट्रैक पर एक युवक की लाश मिली, और जब उसको देखा गया तो उनके शरीर पे सर पे कई चोटें भी पाई गई, तो पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, और इसे हम एक हत्या का मान के ही इस पे चल रहे हैं, और इसमें जितने भी पहलू हैं जिन कारणों से हो सकता है हत्या की गई उनकी, क्योंकि कल शाम को वो घर से गया था कुछ पैसे लेके घर से बाहर, और वो रात में नहीं लौटा, सुबह उनकी बॉडी मिली है, तो उसको हम हत्या के आधार पर ही इस पे चल रहे हैं, और जांच करके इसमें जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। क्या लगता है कि साजिश के तहत पहले मार के फिर रेलवे ट्रैक पर डाला गया? हाँ, यही हमें प्रतीत हो रहा है कि इस तरह से इन्होंने प्रयास किया है कि ये ऐसा प्रतीत हो कि ये एक्सीडेंट है और रेलवे के द्वारा हो, परंतु कोई शायद ट्रेन ना निकली हो या कोई ऐसी बात रही है जिस कारण से ये मामले में उनकी बॉडी वैसे ही पड़ी रही रेलवे ट्रैक के बीच में, और इसीलिए अभी इसमें हम देख रहे हैं और इसमें जांच करा के जल्दी इसमें खुलासा करेंगे। परिवार वाले क्या कह रहे हैं, क्या प्रेम संबंध का कोई मामला है या पैसे के लेन देन का कोई मामला है? अभी परिवार से बातचीत चल रही है, अभी ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो शक है वो इसी दिशा में जा रहा है, और हम इसमें जल्दी कार्रवाई करेंगे।